चाहे कपड़े हो, ग्रोसरीज हो, दवाइयाँ हो या हो कोई भी घर का अन्य सामान, और आपको चाहिए हो इंस्टेंट डिलीवरी, अभी डाउनलोड करिए बिग ब्लिस ऐप। बिग ब्लिस ऐप पहुंचाएगा सारा सामान 10 मिनट में। बिग ब्लिस ऐप है खुशियों की अपनी दुकान। इसी के साथ अजय जी बात करें यहाँ से अगर बिनौला खल की, तो बिनौला खल में हम ठीक अभी भी वैसे ही देख रहे हैं, सीमित दायरे में सुस्ती के साथ कारोबार है। खबर निकल के सामने आई है कि यूक्रेन ने अपने एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिसमें दूध के उत्पाद भी शामिल है। आपको क्या लगता है, क्या उसका असर भारत में बिनौला खल की कीमतों पर कहीं ना कहीं पड़ता दिखाई देगा क्या? देखिए, बिनौला खल में मुझे नहीं लगता कि कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। बिकॉज एक चीज सिंपल समझिए, मैंने फरवरी के लिए कहा भी था कि ना ये 3000 के नीचे जाएगा ना 2400 के ऊपर जाएगा। आज भी मुझे लगता है मार्केट में रिबाउंड है, पर हाँ, जो मैं रिसेशन की बात कर रहा हूँ वो कहीं ना कहीं एक इम्पैक्ट करेगा इस पे भी। तो टाइमिंग मुझे लगता है मार्केट कंसोलिडेशन नहीं है, बड़ा सेलॉग जैसा सिचुएशन नहीं लग रहा है। 3000 से लेकर 3050 का अप्रैल वायदा 20 बना देगा। अब साइड में एक बार 3320 के ऊपर निकल जाता है तो हम एक बड़ा जंप आते हुए देखेंगे। बट जो पहले मैं 4000 की बात कर रहा था वो उसका ट्रेंड थोड़ा लूज हो रहा है, बिकॉज क्रूड की तेजी की वजह से रिसेशन का माहौल बनना चालू हो चुका है। लेकिन अभी भी आप देखिए तेल की कीमत कम नहीं हो रही है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सपोर्ट हम बोल सकते हैं। लेकिन हायर साइड पे मुझे लगता है कि प्राइसेस को थोड़ा कैपिंग है, तो मुझे लगता है जो 4000 का लेवल मैं बोल रहा था अब उसका रेंज हो जाता है 3600 से 3800। लेकिन मार्च महीना तेजी का रहेगा, अप्रैल में मार्केट करेक्शन लेना चालू करेगा टेम्परेरी। तो टाइमिंग मुझे लगता है कि आप 3000 से 3300 का रेंज पकड़ के चलिए, 3300 के ऊपर निकले तब हम उसमें एक नई तेजी की लहर देखेंगे, बट वो खाली मार्च महीने के लिए रहेगी। जी, कोरोना के इस दौर में आपको नहीं जाना बाहर, बिग ब्लिस पहुंचाएगा सारा सामान आपके घर 10 मिनट के अंदर। तुरंत डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप, खुशियों की अपनी दुकान।